टीका चल रहा था, विपक्षे बाद का महा एक कर्मेति, विपक्षे बाद का महा एक कर्मेति उक्तंच किरणावल्या, ये बात किरणावली में स्पष्ट कहा गया है। कार्य विपर्यात भवितव्यम कारण विरोधेना, कार्य का विपर्य होने से कारण का विरोध भी होता है। नहीं कार्यम विरुद्धम अवरुद्ध जातीयम कारणम इति संभवति, जो कार्य है वह विरुद्ध अवरुद्ध जातीय हो जाएगा किसी कारण से, ये नहीं हो सकता। हमेशा कार्य और कारण का समान जातीय होना चाहिए। विरुद्धम अवरुद्ध जातीयम कारणम इति संभवति इति, नहीं न संभवति ऐसा नहीं होगा। उपपादितम कर्म अनारंभ्यत्वम उपसंहरति, आप जो उपपादित कर्म से अनारंभ्य विभाग 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 मानना पड़ेगा, अलग है मानना ही चाहिए, कर्म से आरभ नहीं है अकारण का विभाग, यह बात जो समार कर रहे हैं। तदेवमिति यद्वचाम अद्व हमने द्वितीय अतिदेक्षति थी तदा, द्वितीय अतिदेक्षति थी तदाह, जो पूर्व में ही हमने अवतरणिका में कहा था दो पक्ष युगपथ होगा या समयांतर क्रम से होगा, उस विषय में मैंने कह दिया था पहला पक्ष में जो दोष दिया जाएगा उसको दूसरे में भी अतिदेश कर देंगे, माने युगपत पक्ष में जो दोष दिया गया वह क्रम अथवा समयांतर में भी वही दोष रह जाता है। तदाह पश्चाद्वा इति, पश्चाद्वा न आकाश विभागम आरभते, तदेवम अवयव क्रिया अवयव विभाग काले और पश्चाद्वा न आकाश विभागम आरभते, ये था। तत्रापि समानोयम अविनाभाव इति भाव, कहने का तात्पर्य अविनाभाव जो है व्याप्ति भंग होना यह समान ही है, पहला पक्ष और दूसरा पक्ष दोनों ही पक्ष व्याप्ति भंग होना समान है। तथापि विभागजन्यत्व कथम इत्याशंक्य, तत्र परिशेषम दर्शयिष्यन् सामान्य तो दृष्टान्तानुमाने दृष्टानुमाने सामान्य तो दृष्टानुमाने प्राप्ते ही परिशेषावसर इति तदाह, इस प्रकार से विभागजन्यत्व फिर कैसे होगा ऐसे पूछा गया, भाई कर्म से नहीं है फिर कैसे होगा, तब तत्र परिशेषम दर्शयिष्यन् परिशेष को दर्शाते हुए वो क्या करेगा, सामान्यतो दृष्टानुमान में जो प्राप्त है उसी का अंत में परिशेष का अवसर किया जा सकता है। इति तदा उसी को समझाते हुए कैसे नचा असमय कारण मंत्रेण कार्योत्पत्ति शक्या प्रभुगंतुम इत्यादि, प्रसक्त प्रतिषेध है सती अन्यत्र प्रसंगात चिक्षमाणे संप्रत्यय परिशेष इति परिशेष शब्द, कहते भाई प्रसक्त का प्रतिषेद कर दो और जो अन्यत्र प्रसक्ति न हो तब जो शेष रह जाता है उसी में उस विषय का बारे में निर्णय करके ग्रहण करने का नाम परिशेष होता है, ऐसे परिशेषवित्ताओं का कहना है। तद यह प्रसक्तम करो प्रसिद्धम, उनमें से जो प्रसक्त था इस परिशेष का लक्षण का पहला हिस्सा है प्रसक्त का प्रसिद्ध, वह हमने प्रसक्त कर्म का प्रतिषेद कर दिया। अब अन्यत्र का प्रसंग न चंत्रेण इति, क्रियाम अन्यत असमय कारणम अवयव विभाग अतिरेकी शक्यम उपादितुम, ये वाक्याय उभयम ही प्रत्यासन्नतया असमय कारणम संभवति, उभय प्रकार से प्रत्यासन्न होकर के ही असमय कारण हो सकता है। एवं वंशदल कर्म अपर एकम वंशदल कर्म अपरम तु कर्मोत्पन्न तद्गतो विभाग, दो ही हमारे पास है, एक तो वंशदल कर्म जिसको हमने निषेध कर दिया वो नहीं हो सकता सिद्ध कर दिया, अब रह गया दूसरा कर्म से उत्पन्न उसी में रहने वाला विभाग, अति उस विभाग से पैदा मानना ही पड़ेगा आपको। तत्र कर्म ने ईदृशो दशा, कर्म के ईदृश दशा हमने बता दिया वो तो उत्पन्न कर नहीं सकता है, तो विभाग अतिरेकी न संभवती, विभाग से अलग कोई और विकल्प नहीं रह गया आपके सामने। अन्यत्र प्रसंगम उक्त्वा शिष्यमाणे संप्रत्यम आह, कि अन्यत्र प्रसंग को भी कथन करके अब शिष्यमाण वस्तु में दृढ़ निश्चय करने जा रहे हैं। अवयवेति अवयव विभागस्तु अवशिष्यते सच तस्य प्रशासन, वही उस विभाग का आकाश भाग मैंने अकारण विभाग के प्रति वही असमय कारण होता है। प्रत्यासन्न एकार्थ समवायात इति सिद्धो विभाग जो विभाग, अत्र च असमय कारण लक्षण संपादित, उसी में असमवाय कारण का लक्षण को भी घटा रहे हैं। उपसमर्थ सिद्ध इति इसे सिद्ध हो गया विभाग जो भाग। परिनिष्पादित परिश्रम से प्रकृतोपयोग महा, परिनिष्पादित परिश्रम का प्रयोग प्रकृति का उपयोग है, उपयोग यही है विभाग अजन्यत्व जो विशेषण था हमारा वह सार्थक हो गया, इसे पूर्वोक्त जो अनुमान है वह सही है। तब कहते नहीं तत्र अनुमान तावत दोषेति,
ಕರ್ಮಜತ್ತು ಸಂಭವೇನ ಪರಿಶೇಷ ವಿಘಟಯಿತು ಮಿತಿ, ಕರ್ಮಜತ್ತುದ ಸಂಭವ ಹೇ ಇಸ್ಲಿ ಆ ಪರಿಶೇಷ ಕಹ ನೀ ಸಕತೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಆಪನೆ ಕರ್ ದಿಯಾ ಲೇಕಿನ್ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಆಪ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕತೆ. ಯೇ ಹಮ್ ಸಿದ್ಧ ಕರ್ ದೇಂಗೆ ತೋ ಅಪನೆ ಪರಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯ ಆಪಕಾ ಭಂಗ ಹೋ ಗಯಾ, ಪರಿಶೇಷ ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಹೀ ನೀ ಘಟೇಗಾ. ಉಸೇ ವೋ ಕಾರ್ಯ ಕಾ ಆರಂಭ ಕರ್ತೆ ಮೈವಂ ವ್ಯಾಪ್ತ್ಯರ ಸಿದ್ಧತ್ವಾದ್ ಅನಧ್ಯವಸಿತತ್ವತಃ ಯೋಗ ಪದ್ಯ ಪ್ರತೀತೇಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಮುಪೇಯುಷಾಂ. ಮೈವಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯರ ಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧ ಹೇ ದೂಸರಾ ಹೇತು ಕ ಸ್ವಯಂ ಪಕ್ಷ ಮೇ ನಿಶ್ಚಯ ನೀ, ಹೇತು ಪಕ್ಷ ಮೇ ನಿಶ್ಚಯ ಹೋಗ ತಭಿ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತಾ ಕಹ ಜಾತಾ ಹೇ. ಪಕ್ಷಧರ್ಮತಗೆ ಬಾಧಿ ಪರಾಮರ್ಶ ಹೋಗ ಅನುಮಿತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋಗಿ, ವ ಹೇತು ಕಾ ಹಿ ಪಕ್ಷ ಮೇ ನಿಶ್ಚಯ ನೀ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಅನಧ್ಯವ ಸಿದ್ಧತ್ವತಃ. ಯೋಗ ಪದ್ಯ ಪ್ರತೀತೇಶ್ಚ ಔರ್ ಜೋ ಲೋಕ ವಿಭಾಗ ಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾನತೆ ಆಕಾಶ ಕಾ ಭೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾನತೆ. ಕುಮಾರ ಭಟ್ ನೀರಗನ ವ್ಯವಹಾರ ಹೋರ ಬಾಧಿತ್ತು ಹೈ ನೀ, ಆಪ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಕೆ ಆಧಾರ ಪರ ಬೋಲ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ ಆಕಾಶ ರೂಪ ನಹೀ ಹೈ, ಪಂಚೀಕರಣ ಕೆ ಅನುಸಾರ ತೋ ಆಕಾಶ ರೂಪ ಹೈ, ವೇದಾಂತ ಮೇ ಭೀ ಮನಾ ನೀ ಕರ ಸಕ್ತೆ. ಆ ಉದ್ಭೂತ ಹೈ ಕಿ ಅನುದ್ಭೂತ ಹೈ ವೋ ಏಕ ಅಲಗ ಬಾತ್ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಪೃಥ್ವಿ ಕಾ ಭೀ ಅಂಶ ಹೈ ನಾ ಪಂಚೀಕೃತ ಆಕಾಶ ಮೇ, ಪಂಚೀಕರಣ ಮೇ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಆಕಾಶ ಕಾ ಅಪನಾ ಆಧಾ, ಬಾಕಿ ಚಾರ್ ಕಾ ಆಧಾ ಆಧಾ ಲೇನ ಆಯ ಆಪನೆ, ಈತಕ ನಾ ಪಂಚೀಕರಣ ಹೈ. ತೋ ಪೃಥ್ವಿ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಜಲ್ ಭೀ ಹೈ ಅಗ್ನಿ ಭೀ ಹೈ ವಾಯು ಭೀ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಚಾರೋ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಆಕಾಶ ಮೇ ಪಂಚೀಕೃತ. ಓ ಹಮೇ ಜೋ ದೇಖ ರಹೇ ಕೌನ್ ಸಾ ಯೇ ಅಪಂಚೀಕೃತ ಥೋಡೋ ದೇಖ ರಹಾ ಕೋಯಿ, ಪಂಚೀಕೃತ ಹೀ ಅನುಭವ ಕರ ರಹೇ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಇಸ್ಮೇ ರೂಪ ಯದಿ ಕಿಸೀ ಕೋ ದಿಖತಾ ಹೈ ತೋ ಠೀಕ್ ಹೈ, ಪಾರ್ಥಿವ ವಂಶ ಕೆ ಅನುಸ್ವರೂಪ ದಿಖಾಯಿ ದೇ ರಹಾ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಅನ್ಯ ಮೇ ಸಭಿ ಮೇ ಪಂಚೀಕೃತ ವಸ್ತು ಹೈ, ಸಬ್ ಮೇ ಸಬ್ ಚೀಜ ದಿಖ ರಹೇ ಕಿ ನೀ, ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ದೇಖೋ ಗಂಧ ಭೀ ಹೈ, ಇಸಿ ವಜಹ ಸೇ ಲೇಕಿನ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ರಸ ಭೀ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ, ತೇಜ ಭೀ ಹೈ ಗರಮ ಲಗತಾ ಹೈ ಪಸೀನಾ ಛೂಟ ರಹಾ ಹೈ, ವಾಯು ತೋ ಹೀ ಚಲ ರಹಾ ಹೈ ಡಕಾರ ಡಕಾರ ಚಲತೆ ರಹತಾ ಹೈ, ನೀಚೆ ಸೇ ನಿಕಲ್ತಾ ಹೈ ಊಪರ್ ಸೇ ನಿಕಲ್ ರಹಾ ಹೈ, ಮಾಲೂಮ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಅಂದರ ಕುಛ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ, ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಹವಾ ಹೈ ಸಬ್ ಅನುಭವ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ, ಪಾಂಚೋ ಚೀಜ ಅನುಭವ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಯಹಾಂ ಪರ್. ಔರ್ ಡಾಲ್ ರಹಾ ಹೂಂ ಆಕಾಶ ನಾ ತೋ ಜಾಯೇಗಾ ಕಹಾಂ ಸೇ, ಅವಕಾಶ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಆಕಾಶ ಮಾನನಾ ಪಡೆಗಾ ಆಪಕೋ ಅಂದರ. ತೋ ಹರ್ ಚೀಜ ಹರ್ ಚೀಜ ಮೇ ಪಂಚೀಕರಣ ಕೇ ಬಾತ್, ಅತೇ ಓ ಲೋಕ ಕಹನಾ ಆಕಾಶ ಕಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾನನೆ ಮೇ ಕೋಯಿ ಆಪತ್ತಿ ನಹೀ ಹೈ, ಔರ್ ನೀಲ ಗಗನ ಕೋ ಆಪ್ ಬಾಧ ನಹೀ ಸಕತೆ, ಆಕಾಶ ಕಾ ನಿರೂಪ ಆಪ್ ಸಿದ್ಧ ನಹೀ ಕರ ಸಕತೆ. ಆ ಪಂಚೀಕೃತ ಆಕಾಶ ನಿರೂಪ ಅಲಗ ಚೀಜ ವೇದಾಂತ ಮತ ಇಸೇ ಉನ್ಕಾ ಕಹನಾ ಹೈ ಕಿ ಭಾಯಿ ದೇಖೋ ಆಪ್ ಜೋ ಲೋಕ ಮಾನತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ಕೆ ಓ ಲೋಕ ತೋ ಯುಗಪತ್ ಪ್ರತೀತಿ ಮಾನತೆ, ಕಾರಣ ವಿಭಾಗ ಸಾಥ ಸಾಥ ಅಕಾರಣ ವಿಭಾಗ ಯುಗಪತ್ ಕ್ರಮ ಸೇ ನಹೀ ಭಯ ಯಾ ಹಮ್ ಯಾ ಸೇ ಇದರ್ ಸೇ ಉದರ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಕೇಲ್ ಕೇಲ್ ವಿಭಾಗ ಮಾತ್ರ ತೋಡ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಯಹಾಂ, ಏಕ್ ಹೀ ತುಮ್ಹೇ ದಿಖ ರಹಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಭಯ ಯೇ ಜೋ ಯಹಾಂ ಆಕಾಶ ಸಂಯೋಗ ಥಾ ಇದರ್ ಅವಯವ ಸಂಯೋಗ ಭೀ ಹೈ, ಯೇ ಅವಯವ ಕಾ ವಿಭಾಗ ಹೋನೆ ಕೇ ಸಾಥ ಸಾಥ ಆಕಾಶ ವಿಭಾಗ ನಹೀ ದಿಖ ರಹಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ, ಕ್ಯೂ ಉಸ್ ವಹ ಆಕಾಶ ವಿಭಾಗ ಕೈಸೆ ರಹಾ ಜಾಯೇಗಾ, ಜಬ್ ಅಂಗುಲಿ ಆಗೇ ಪಡ್ ಗಯಾ ಉಸ್ ಅಂಗುಲಿ ಆಕಾಶ ಸಂಯೋಗ ವಹ ಕೈಸೆ ಬನಾ ರಹೇಗಾ, ಕ್ಯೂ ಉಸ್ ದೇಶ ಮೇ ಅಂಗುಲಿ ಹೈ ನಹೀ ವಹ ತೋ ಆಗೇ ಪಡ್ ಗಯಾ, ಆಗೆ ಬಡ ಗಯಾ ತೋ ಸ್ವತಃ ಇಸ್ ದೇಶ ಮೇ ಜೋ ಆಕಾಶ ಸಂಯೋಗ ಥಾ ಉಸ್ಕಾ ವಿಭಾಗ ಆಪಕೋ ಮಾನ ನಹೀ ಪಡೇಗಾ. ಔರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೃಶ್ಯ ಆಪ್ ಆಗೇ ಬಡತೆ ಜಾಯೇ ತಬ್ ಪೂರ್ವ ಸಂಯೋಗ ನಾಶ ಹೋಗಾ, ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ತೋ ದಿಖ ರಹಾ ಸಾಥ ಸಾಥ ಕಾರ್ಯನ ಔರ್ ಅಕಾರಣ ವಿಭಾಗ ಉಭಯ ವಿಭಾಗ ಹೋತೆ ವಹ ದಿಖ ರಹಾ ಹೈ, ಏಕ್ ಸಾಥ ದಿಖತಾ ಹೈ, ಐಸೆ ಉನ್ಕಾ ಮಾನನಾ ಹೈ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಂ ಉಪೇಯುಷಾಂ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಕ್ಕೂ ಮಾನನೆ ವಾಲೆ ಕುಮಾರ ಭಟ್ಟಾದಿ ಲೋಕ ಉನ್ಗೆ ಅನುಯಾಯಿ ಲೋಕೋ ಮೇ ಯೋಗ ಪದ್ಯ ಪ್ರತೀತೇಶ್ಚ ಯುಗಪತ್ ಕಾರಣ ಕಾರಣಕ ಉಭಯಕ ಕರ್ಮ ಸೇ ವಿಭಾಗ ಹೋತಾ ಹುವ ಪ್ರತೀತಿ ಹೋ ರಹೀ ಹೈ, ಅತಿ ವಿಭಾಗ ವಿಭಾಗ ಮಾನಕ್ಕೆ ಜರುರತ್ ನಹೀ ಹೈ. ನ ತಾವದ್ ಆಕಾಶಾದಿ ವಿಭಾಗ ಜನಕಸ್ಯ ಕರ್ಮಣೋ ದ್ರವ್ಯಾರ್ವ ಸಂಯೋಗ ವಿರೋಧಿ ವಿಭಾಗ ಅನುತ್ಪಾದಕತ್ವಂ ಕ್ವಚಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಂ. ಆಕಾಶಾದಿ ವಿಭಾಗ ಕ ಜನಕ ಜೋ ಕರ್ಮ ಹೈ ವಹ ದ್ರವ್ಯಾರ್ವ ಸಂಯೋಗ ಕಾ ವಿರೋಧಿ ವಿಭಾಗ ಕಾ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಹೈ ಐಸಾ ಕಹೀ ಭೀ ತುಮ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ ಕರ್ ನಹೀ ಕಹ ಸಕ್ತೆ ಹೋ, ನ ಕ್ವಚಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ ನ ಕ್ವಚಿತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಐಸಾ ಕಹೋ. ಹಮಾರೇ ಮತ ಮೇ ತೋ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ತುಮಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೋ ನಾ ವೋ ಸಿದ್ಧ ನಹೀ ಹೋ ಸಕತಾ ಕಿ ಆಪನೆ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ಜೋ ಆಕಾಶ ವಿಭಾಗ ಕಾ ಜೋ ವಿಭಾಗ ಜನಕ ಕರ್ಮ ಹೈ ವೋ ದ್ರವ್ಯಾರೋಗ್ಯ ಕಾ ಸಂಯೋಗ ವಿಭಾಗ ಜನಕ ನಹೀ ಹೋ ಸಕತಾ, ಯೇ ಆಪನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬನಾಯಾ, ಯೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಹೀ ಭೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ ನಹೀ ಯೇ ಕಹನಾ ಹೈ. ವೇದಾಂತಿ ಕಹ ರಹಾ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಕಹ ರಹಾ ಹೈ ಕಿ ಯಹ ಆಪ್ಕೆ ದ್ವಾರಾ ದಿಯಾ ಹುವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೈ, ಯೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ ನಹೀ ಹೈ. ಕ್ಯೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಹೀ ಉಸ್ಗೆ ಹೇತು ದಿಯಾ ಕ್ಯೋ ಆಕಾಶ ವಿಭಾಗಸ್ಯ ಅತೀಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ಕ್ಯೋ ಆಶಾ ಆಕಾಶ ವಿಭಾಗ ಕೈಸಾ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಮತ ಮೇ ಅತೀಂದ್ರಿಯ, ಕ್ಯೋ ಆಕಾಶ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ವಿಭಾಗ ಭೀ ತೋ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ ನಹೀ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ, ಉಸ್ಕಾ ಸಂಯೋಗ ಭೀ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಇಸ್ಕಾ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಪರಮಾಣು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಹೈ ಜೈಸೆ ಉಸ್ಕಾ ಸಂಯೋಗ ದಿಖತಾ ಕಿಸಿ ಕೋ
या उसका विभाग किसको दिखाई देता है क्या? जैसे अतीन्द्रिय परमाणु का स्वयं विभाग किसी को नहीं दिखता, ईश्वर जाने केवल, इसी प्रकार से हमारा कहना है आकाश भी अतीन्द्रिय ही या नहीं? आपके मत में आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता, आपके तो वायु का भी कुछ लोग प्रत्यक्ष मानते, कुछ लोग अनुमेय मानते हैं। इसे जो अप्रत्यक्ष मतलब क्या? अतीन्द्रिय हो गया आपके अनुसार। जो अतीन्द्रिय है तो वह वस्तु का, अतीन्द्रिय वस्तु का संयोग, अतीन्द्रिय वस्तु के साथ जो विभाग है वह भी अप्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। यदि आकाशादि विभाग से अतीन्द्रिय से क्रिया अन्वय व्यतिरेक, क्रिया के समय कर्म के साथ संबंध होना, उसका विषय उसका अभाव हो जाना, ये सारी बातें प्रत्यक्ष तो अधिगंतुम अशक्यत्वात्, प्रत्यक्षता निश्चय करना संभव ही नहीं तुम्हारे मत में। इसे तुम्हारे अनुसार जो दी गई व्याप्ति है, तुम्हारे अनुसार जो है व्याप्ति असिद्ध है। इतना ही नहीं, दूसरे पक्ष में अनध्यवसित त्वतः, उस पर बोल रहे हैं अनध्यवसित अश्चायम हेतु, और यह हेतु क्या आपका? यह भी अनिश्चित है। आकाशादि विभाग अनारंभ के रूपाद, वो उसने कहाँ दृष्टांत दिया था? उसकी व्याप्ति कहाँ कटाया उसने? वहाँ आपका कमल, कमल में दिया ना, कमल का विभाग में, फिर उसको घटाने के लिए उसने आगे बढ़ा। तो उनका कहना है कि आप जो दृष्टांत दे रहे हो वहाँ तो व्याप्ति लगता है ठीक है, यानी हम ऐसे दृष्टांत दिखाएंगे जो आपके अनुसार भी है, वहाँ पर हेतु नहीं हो सकता। सपक्ष में हेतु न होना मैंने व्याप्ति ग्रहण ही नहीं होगा। सपक्ष कहाँ है? जैसे दृष्टांत उतारे हैं कि आकाश विभाग अनारंभ गए, आकाश विभाग का आरंभ कौन आपके मत में? विभाग हमारे मत में कर्म है ना, वेदांत मत में आकाश विभाग का आरंभ कौन है? कर्म, उनके उसमें विभाग 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 ही मान लिया है। और वास्तव में इसलिए अनारंभ कौन हो जाएगा? इन दोनों से मिलने नहीं पड़ेंगे, रूपादि ले लो, वहाँ आपका साथ दिया गया वहाँ। लेकिन रूपादि में तुम्हारा हेतु है क्या? अनारंभ के रूपादो सत्यपि सपक्षे व सत्य सपक्ष होने पर भी तत्व व्यावृत तत्व वह तुम्हारे हेतु नहीं है। तो हेतु क्या था? द्रव्यार्थ संयोग विरोधी विभाग जनकत्व, वो वहाँ नहीं है कि रूपादि विभाग के जनक नहीं है। तुम्हारे मत रूपादि विभाग के जनक कौन है? विभाग है। और हमारे मत विभाग के जनक कर्म है। रूपादि तो तीनों ही कालों में विभाग का जनक है ही नहीं, कहीं भी किसी भी विभाग का जनक रूपादि हो नहीं सकते। अरे लेकिन वहाँ साध्य तुम्हारा है, हेतु नहीं है। अच्छा सपक्ष में हेतु न रहने से व्याप्ति कैसे सिद्ध माना जाएगा? जब मानस में ही धूम नहीं है फिर मानस में व्याप्ति कैसे ग्रहण करोगे? इसे सपक्ष होते हुए भी व्यावर्तत्व अपिच क्रम कल्पना ये अनुपन्ना, और दूसरी बात क्रम की कल्पना जो तुम करोगे वह भी अनुपन्न है। क्यों? आकाश विभाग प्रत्यक्षवादी नाम विभागद्वयस्यापि योगपति प्रतीत है कि आकाशादि विभाग का प्रत्यक्ष मानने वाले लोगों के लिए विभागद्वय दोनों विभाग भी योगपति प्रतीत, युगपत प्रतीति होती है। न च, अब उसके दृष्टांत भंग करना पड़ेगा, न च शत पत्र पत्र शत व्यक्ति भेदानुभवद विभ्रमोयम अनुभव, ऐसा तो नहीं कह सकते। शतपत्र इसको कहते हैं कमल को, शतपत्र शब्द का अर्थ है कमल, कमल के पत्र शत 100 पंखुड़ियां, लाइन एक के ऊपर एक रख दो, सुई लगा दो, एक साथ छेद हो जाता है कोमलता के कारण से। आप युगपत कहते हो लेकिन वो सुई तो क्रम से गया है सभी में, जैसे वहां पर क्रम होते हुए भी युगपत का भ्रांति, वैसे आपको भी जो युगपत कारण अकारण विभाग युगपत प्रतीत जो कर रहे हो यह भ्रांति है उसके समान। ये पूर्व पक्ष कहता है, तब कहते नहीं ऐसा मत कहो, हमारा अनुभव भ्रांति नहीं है। क्यों? बाधका भावात, वहां बाधक है लेकिन यहां कोई बाधक नहीं है ना, तो कैसे भ्रम कर सकते? उत्तर काल में कोई किसी को अनुभव हो रहा है क्या? कारण अकारण विभाग युगपत नहीं होता, ऐसे किसी दूसरे को यह अनुभव हो या किसी प्रकार से सिद्ध हो तब तो मानेंगे वह ज्ञान इसका बाधक है। या तो प्रत्यक्ष होना चाहिए इसके विपरीत, जैसे इदम रजतम, फिर आगे आपको यम शुक्ति, अयम सर्प, यम रज्जु। तो इस प्रकार से यदि बाधक उत्तर ज्ञान प्रत्यक्ष हो चाहे अनुमान से हो, कोई न कोई बाधक ज्ञान होना चाहिए, तभी पूर्व ज्ञान को भ्रम कहा जा सकता है, इसके बिना नहीं कह सकते। और इसका कोई बाधक ज्ञान है ही नहीं तो आप कैसे इसको भ्रम कह सकते हो? न च उपन्यस्ता अनुमान बाधक, तो वो कहेगा हमारा अनुमान ही बात कर देगा तुम्हारा बात को, ऐसा मत कहो। तस्य अनध्यवसितत्वेन अपहसितत्वात्, अरे अभी अभी हेतु तुम्हारा सपक्ष में ही
अनिश्चय है, ऐसे कहकर हाथ से अभी उठा के फेंक दिया हमने तुम्हारे अनुमान को, अपहस्ती तत्ता अभी तेरा उठा के फेंक दिया, फिर उसी को नाम ले रहा है, वो तो खंडन हो गया। उस अनुमान के द्वारा हमारा अनुभव खंडन नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान भी नहीं है। तब एक दूसरा अनुमान करूंगा, वो कहेगा मान मनोकार को लाएंगे इसलिए, और जब हार जाते तो मान मनोकार को पकड़ते हैं कि टेढ़े-मेढ़े अनुमान वही बनाते हैं। विवाद अध्यासिता विभाग जन्य गुणाधिकरण नित्य त्रिवेत्ताद आत्मवत्, ये उन्होंने अनुमान किया। विवाद अध्यासित क्या लेना है यहाँ पक्ष को, परमाणु में रहने वाले विभाग, परमाणुओं में जो विभाग हो रहा उसको, क्योंकि उनके यहाँ पिलुपाकवाद है ना, वैशेषिक दर्शन पिलुपाकवादी है, न्याय दर्शन पिठरपाकवादी है। पिठरपाक में क्या है, आपने घड़ा भट्टी में डाला, ईंट भट्टी में डाला, वो जैसे का वैसे रहते हो पक जाता है, ये पिठरपाक है। पिलुपाक मैंने वो जो घड़ा है वो कण 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 टूटते जाए, टूटते टूटते परमाणु हो जाएंगे, फिर परमाणुओं से आपके अदृष्टि से दोबारा वह घड़ा बन जाएगा, वैशेषिक दर्शन। जैसे दूध है, कहते भाई घास तो गाय भी खाती है, भैंस भी खा रही है, भैंसा भी खा रहा है, घोड़ा भी खाता है, सब घास ही खा रहे हैं, लेकिन इनमें तो दूध हो रहा है, उनमें दूध का आरंभ क्यों नहीं हो रहा है। अरे बूढ़ी गाय है, वो अभी पहले तो दूध दे रही थी घास खा के, अब भी वही घास कर रही, उसी में अभी नहीं बनने लगा, बंद हो गया बनना दूध, क्या कारण। उनका इसलिए कहना है वैशेषिकों का, ये जो घास अंदर गया चबा के खा के पचते पचते वो परमाणु अंतर विघटित हो गया, विभाग विभाग भाग भाग परमाणु में विभाग, परमाणु परमाणु मैंने दुग्ध आरंभक परमाणुओं का संयोग नष्ट हुआ, फिर ईश्वरीय इच्छा और जीव की अदृष्ट के वजह से दही के आरंभक परमाणु परमाणुओं में संयोग हो गया। दुग्ध आरंभक परमाणुओं तक नष्ट होने के बाद में उन परमाणुओं में दही आरंभकत्व आ गया और उसे दही बनना शुरू हो गया, फिर दही के अनुकूल परमाणु से दृढ़ दृढ़ से तस्वण आदि होते होते दही बन जाता है, सब जीवों की अदृष्ट की वजह से और ईश्वर की इच्छा है, इसके बिना नहीं हो सकता, नहीं तो कस्तूरी उड़ता नहीं है और पुष्प उड़ के मुरझा जाते हैं, सुगंध खत्म, कपूर देखो उड़ जाता है, कस्तूरी उड़ता नहीं, ये सब क्यों है प्रकृति में जो हमें दिख रहा है। कहीं जीवों के अदृष्ट के अनुसार ये भोग व्यवस्था है, कोई वस्तु परमाणु नष्ट होकर वापस बनता नहीं है, कोई वापस वो नष्ट होता ही नहीं है, कोई नष्ट होकर दूसरा उद्धारण कर लेता है, ये सब उन लोगों ने व्यवस्था दिया। उस हिसाब से घर परमाणु द्वयक तक का विभाग परमाणुओं में विभाग हो गया, वह विभाग कैसा है, विभाग जन गुणाधिकरण है, दूसरे में हुए विभाग जन्य गुण का अधिकरण है, दूसरे विभाग हुआ उससे जन्य एक और गुण का यह अधिकरण हो गया परमाणु, जनक का जो अवयव है उनमें विभाग पैदा हुआ, तो दूसरा है चीज दणुक का जो दो अवयव है उनमें जो विभाग हुआ उससे जन्य गुण है परमाणु में जो मैं विभाग अनुभव करता हूँ, या निश्चय कर रहा हूँ अनुमान से ही, परमाणु में जो विभाग आया है वो कहाँ से आया, वो दणुक के अवयव में हुआ विभाग के द्वारा आया हुआ, इसलिए कहता है वो सीधे ना बोल के उसका कार्य द्रव्य नहीं कहा, कार्य द्रव्य कौन है, दणुक, उसके विभाग है, उस विभाग जन्य गुण यहाँ पर है, इसलिए सीधे नहीं बोल सकता कि दृष्टांत क्या घटाएगा, फिर विभाग विभाग तो घटा नहीं सकता, अन्य गुण दिखाना पड़ेगा उसको। जैसे विभाग जन्य शब्द है वो कहाँ गया, आकाश में, कहाँ है वो आकाश में, और विभाग विषय का ज्ञान हुआ, विभाग है विषय, विभाग जन्य माने जन विभाग विषय ज्ञान को विभाग जन्य माने, घट विषय ज्ञान आपने बोल रहे हो, घट जन्य है ना, घटना होता तो घट विषय ज्ञान कैसे होता, अच्छा घट जन्य ज्ञान माना जाएगा उसको, कहाँ रहता है आत्मा में, विभाग विषय का विभाग जन्य ज्ञान कहाँ है, इसीलिए आत्मा में। जैसे उनका इतना ही से तात्पर्य, यहाँ एक गुण है विभाग नाम का, इससे जन्य जो चीज है वो दूसरे में हो सकती है, इतने में उसका दृष्टांत देना है उसने, जैसे बांस को मैंने फाड़ा यहाँ विभाग हुआ, इस विभाग जन्य शब्द कहाँ रह गया, या नहीं रहा, वो आकाश में रहा, विभाग एक विषय है, एक गुण है, उसका ज्ञान पैदा हुआ मुझे, वो ज्ञान कहाँ रहा, लेकिन आत्मा में, बांस में थोड़ा है, विभाग में थोड़ा है, इसे विभाग विषय का ज्ञान आत्मा में यथा, अरे इसी विभाग जो है जन्य शब्द जैसे आकाश में,
उसी प्रकार से विभागजन एक ऐसा विलक्षण गुण मानना पड़ेगा परमाणुओं में भी। वह गुण क्या होगा? विभागीय। उसका नाम हमने रख दिया, इसलिए विभागजन्य। जैसे विभागजन्य शब्द, विभागजन्य ज्ञान, जैसे विभागजन्य विभाग, वो स्वयं में नहीं रहेगा, वो दूसरे में रहेगा। जैसे वे दृष्टांत मिलेगा ना, उसको विभागजन्य शब्द, विभागजन्य ज्ञान दृष्टांत, वो स्वयं में नहीं रहता, वो जब विभाग से जन्य होता है वो दूसरे में रहता है। ये दो दृष्टांत सिद्ध हो गया। अब उसको परमाणु में घटा दिया, इसे परमाणु में जो विभाग है वो भी धनुक में रहने वाले विभाग से जन्य विभाग है। अतः विभागजन विभाग उसके मत में सिद्ध हो जाता है। विभागजन गुण अधिकरण क्यों? नित्य द्रव्यत्वात्। इसे दृष्टांत क्या दिया उसने? आकाश और आत्मा, वो भी कैसे है? नित्य द्रव्य। घटाएंगे कहां? परमाणु में। परमाणु भी है नित्य द्रव्य। आत्मवत ये दृष्टांत है, आकाशत्व भी ले लेना। अस्थि आत्मन विभाग विषय प्रत्यक्ष ज्ञानम तत्कर्म कारकजन्यम तेना न साध्य विकलो दृष्टांत। ये यहाँ तक की मान मनोहर कार की पंक्ति है। क्योंकि आत्मा में विभाग विषय प्रत्यक्ष ज्ञान है, तत् कर्म कारकजन्यम प्रत्यक्ष ज्ञानम विभाग विषय ही आत्मनो अस्ति। इसे कर्म कारक का दिया, कर्म है, कर्म मैंने द्वितीय आवेगन है। जैसे घट विषयम ज्ञानम, घटम ज्ञातो मया, घटम क्या हो गया? कर्म हुआ कि नहीं? घटम अहम जानामि, घटम क्या है? द्वितीय कर्म संज्ञा है। विभाग में क्या हो गया? आत्म उत्पन्न ज्ञान के प्रति कर्म है, इसलिए कहता है कर्म कारक जन्य क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। किस विषय को लेकर के? विभाग विषयम, विभाग विषयम प्रत्यक्ष ज्ञानम तत्कर्म कारक जन्यम आत्मनो अस्ति, आत्मा के अंदर है तेना, इसलिए साध्य विकल नहीं है, हमारा साध्य व्याप्ति ठीक हो गया, इसलिए न साध्य विकलो दृष्टान्त, इसलिए हमारा दृष्टान्त में साध्य विकलता नहीं है। इति मानवकारोक्तम अनुमानम बाधकम इति चेत, यही बाधक है। मैवाम वेदांतिनम प्रति हेतु असिद्ध है, वेदांति के मृति तुम्हारा हेतु नित्य द्रव्यत्वात्, ये हेतु ही असिद्ध कि हमारे मत में नित्य द्रव्य एकमात्र ब्रह्म को छोड़ के अन्य कोई चीज नहीं है। आकाश में नित्यत्व, परमाणु में नित्यत्व, नित्यत्व इसलिए हम नित्य द्रव्यत्व कि परमाणु में नित्य तुम्हारे मत में, आत्मा भी नित्य, आकाश में नित्य, दूसरा दृष्टांत है ना, हमारे यहाँ आत्मा को जो कोई दूसरा नित्य ही नहीं। अच्छा, तुम्हारा नित्यत्व विशिष्ट जो द्रव्यत्व है वो पक्ष में, परमाणु में हमारे दृष्टिकोण में वेदांत के अनुसार नहीं है, कि हम परमाणु को भी अनित्य ही मानते हैं। तेना आत्मव्यतिरिक्त नित्यानंगीकारात्, इसलिए क्योंकि तेना मने वेदांतिना, वेदांति के द्वारा आत्मा से भिन्न किसी भी चीज को नित्य स्वीकार नहीं किया गया है। आत्मन गुण अनधिकरणत्वेन, इतना ही नहीं, आत्मा गुण का अधिकरण भी नहीं है। आ गुणाधिकरणम जो साध्य ना, वो भी तो आत्मा वास्तव में दृष्टांत नहीं बनेगा, कि जो दृष्टांत आपने दिया आत्मा, वह हम अपने वेदांत देखता हूँ, वह आत्मा में तुम्हारा साध्य जो गुणाधिकरणत्व वो नहीं आ सकता, क्योंकि आत्मा हमारे मत में गुण का अधिकरण नहीं है। आत्मा गुण अनधिकरणत्व दृष्टांत से साध्य विकल्पाच, दृष्टांत हमारे मत के अनुसार साध्य विकल्प हो जाता है। किंच इतना ही नहीं, नित्य विशेषण व्यर्थम, व्यर्थ विषय तुम्हारे मत के अनुसार ही, अभी हमारे अनुसार तो है ही नहीं, तुम्हारे मत के अनुसार विचार करके देखते इस अनुमान को, तो अभी नित्यत्व जो विशेषण दिया व्यर्थ विशेषण हो जाएगा। वो क्यों व्यर्थ विशेषण है? क्योंकि जीव आकाश व्यतिरिक्त द्रव्य जात विभाग अजन्य गुण अधिकरणतया विप्रतिपत्ति मानस पक्षीकृततया पक्ष व्यापक द्रव्यत्व मात्रेण साध्य सिद्धे नित्य पद व्यावर्त्य अभावा, कि नित्य पद किसका व्यावर्तन करने के लिए आप दे रहे हो? हेतु द्रव्यत्वात् हेतु देते, इसे कहाँ अतिव्याप्ति हो रही थी, आप उसको नित्यत्व विशेषण देकर द्वारा उस अतिव्याप्ति को दूर करना चाह रहे हैं। द्रव्यत्व तो कहाँ चला गया? क्योंकि आपके मत के अनुसार आपने विषय जो दिया है विवाद अध्यासितम, विवाद अध्यासितम अर्थ हम बार बार बोल रहे हैं, परमाणुवादी आदि से क्या क्या लोगे बताओ मेरे को? परमाणुवादी विभाग, परमाणु आदि से कौन होगा? जीव आकाश व्यतिरिक्त। आप जीव को दृष्टांत लेंगे, जीवात्मा प्रत्यक्ष ज्ञान का जीवात्मा दृष्टांत ले लिया, आकाश भी आपको दृष्टांत है, ये दृष्टांत के दो हिस्सा छोड़ दो आप, जीवात्मा और आकाश, इन दो को छोड़ के जो कुछ भी नित्य समूह है नित्य द्रव्य वो सब तो तुम्हारे पक्ष में आ गया ना, और कोई पक्ष और दृष्टांत से अतिरिक्त कोई तीसरा जो है कोटि जो नित्य पदार्थ वाला हो जिसमें द्रव्य तत्व जाने से दोष आता हो उसे व्यवहार नित्य शब्द देना पड़ता आपको,
ಯಾಕೆ ಜರುದ್ರಿ ನೀತಿ ಶಬ್ದ ಜೋ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆತ್ಮ ಅವರ ಆಕಾಶ ಇನ್ ದೋಕೋ ಛೋಡ್ ಕರ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಚಿತ್ರೆ ಭೀ ದ್ರವ್ಯ ಸಮೂಹ ಹೈ ತುಮಾರ ನಿತ್ಯ ದ್ರವ್ಯ ಸಮೂಹ ವೋ ಸಬ್ ಪಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೇ ಆ ಗಯಾ ವಿಭಾಜನ ಗುಣಾಧಿಕರಣ ಹೋನೆ ಸೆ ವಿಪ್ರತಿತ್ವನ್ ಜೋ ಆಪ್ಕಾ ಪಕ್ಷ ಹೈ ಉಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೇ ಆ ಜಾನೆ ಸೆ ಪಕ್ಷ ವ್ಯಾಪಕ ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಮಾತ್ರೇಣ ಇವ ಪಕ್ಷ ವ್ಯಾಪಕ ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಸಾಧ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಥಿ ತೋ ನಿತ್ಯ ಶಬ್ದೇನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದ್ವಾರ ವ್ಯಾವರ್ತಿ ಕುಚನ ಹೋನೆ ಸೆ ವ್ಯರ್ಥ ವಿಶೇಷಣ ಹೋ ಗ್ಯಾ ಅಸ್ತು ತರಿ ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಮಾತ್ರ ಹೇತುರ್ತಿ ಚೇತ್ ತೋ ಪೂರ್ವ ಠೀಕ್ ಹೈ ಹಮ್ ಹಟಾ ದೇತೆ ನಿತ್ಯ ಶಬ್ದ ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಕೆ ದ್ವಾರ ಹಮ ಅನುಮಾನ ಬನಾ ದೇಂಗೆ ಔರ್ ಯೇ ಅನುಮಾನ ಆಪ್ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾ ವಿರೋಧ ಕರ ರಹಾ ಹೈ ಬಾದ್ ಹೋ ಗ್ಯಾ ಆಪ್ಕಾ ಅನುಮಾನ ಆಪ್ನೆ ಕಾ ಯುಗಪತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೋತಾ ವಿಭಾಗ ಕಾ ಕಾರಣ ಅಕಾರಣ ವಿಭಾಗ ಕಾ ಉಸ್ಕಾ ಹಮಾರಿ ಇಸ್ ಅನುಮಾನ ಸೆ ಬಾದ್ ಹೋ ಗ್ಯಾ ತಾವ್ ಕಹತೆ ಐಸಾ ನಹೀ ಕಹ ಸಕ್ತೆ ಚಿನ್ನ ವಿಭುತ್ವೋಪಾಧಿ ಉಪಹತತ್ವಾತ್ ಏನ್ ದ್ರವ್ಯತ್ವ ತುಮಾರ ಹೇತು ಹೈ ವಿಭುತ್ವ ಉಪಾಧಿ ಕೆ ದ್ವಾರ ಖಂಡಿತ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ವಿಭುತ್ ಉಪಾಧಿ ಕೈಸಾ ಹೈ ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕ ಹೋತೆ ಹುವೆ ಸಾಧನ ಕಾ ಅವ್ಯಾಪಕ ಹೈ ಜಹಾ ಜಹಾ ಸಾಧ್ಯ ವಹಾ ಪರ ಹಮಾರ ವಿಭುತ್ ಹೇತು ಹೈ ಕಿ ಸಾಧ್ಯ ಕ್ಯಾ ಹೈ ತುಮಾರಾ ಕಿ ವಿಭಾಗ ಚಿನ್ ಗುಣಾಧಿಕರಣ ಔರ್ ಆಪನೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕ್ಯಾ ಆಕಾಶ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯೋ ಕೋ ಲಿಯಾ ಹೈ ನಿತ್ಯೋ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ ವಿಭುತ್ ಹೈ ಔರ್ ಕೇವಲ ದ್ರವ್ಯ ಹೇತು ಆಪ್ಗೆ ರಹ ಗಯಾ ಅಭಿ ಜೋ ವೋ ಹೇ ವೋ ಹೇತು ಜಹಾ ಜಹಾ ಪರ ಜಹಾ ಜಹಾ ವಿಭುತ್ ಹೈ ವಹಾ ಕೇವಲ ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಜಹಾ ಜಹಾ ಕೇವಲ ದ್ರವ್ಯತ್ವ ವಹಾ ವಹಾ ಕೇವಲ ವಿಭುತ್ವ ನಹೀ ದೇಖಾ ಸಕ್ತೆ ಆಪ್ ಕಿ ಘಟಾದಿ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಹೈ ವಿಭುತ್ ಕಾ ಹೈ ವಹಾ ಪರ ಇಸಿಲಿಯೇ ಜಹಾ ಹೇತು ಹೈ ವಹಾ ಉಪಾಧಿ ನಹೀ ಹೈ ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಹೇತು ಹೈ ಘಟ ಮೇ ಔರ್ ವಿಭುತ್ ವಹಾ ನಹೀ ಹೈ ಔರ್ ಜಹಾ ಜಹಾ ತುಮಾರ ಸಾಧ್ಯ ಹೈ ಗುಣಾಧಿಕರಣ ಜೋ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಭು ವ್ಯಾಪಕ ಗುಣಾಧಿಕರಣ ವಹಾ ವಹಾ ಪರ ಆಪ್ಕಾ ವಿಭುತ್ವ ಹೈ ತೋ ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕ ಹೈ ಸಾಧನ ಕಾ ಅವ್ಯಾಪಕ ಹೋನೆ ಸೆ ಆಪ್ಕಾ ಜೋ ಹೇತು ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಹೇತು ವಿಭುತ್ವ ಸೆ ಬಾಧಿತ ಹೋ ಗ್ಯಾ ಉಪಾಧಿಗ್ರಸ್ತ ಹೋ ಗ್ಯಾ ನಚ ದಿಕ್ಕಾಲೇಶ್ವರೇಶು ಪಕ್ಷೇಕದೇಶು ಸಾಧನ ವ್ಯಾಪಕತಾ ಪಕ್ಷೀಕೃತ ಪ್ರಮಾಣವಾದಿಷು ತದ ಭಾವಾತ್ ದಿಕ್ಕಾಲೇಶ್ವರಾದಿಯೋ ಮೇ ಪಕ್ಷೇಕ ದೇಶ ಮೇ ಸಾಧನ ಕಾ ವ್ಯಾಪಕತಾ ಹೈ ಐಸಾ ಮತ್ ಕೋ ಕಿ ಹಮ್ ಸಾಧನ ಕಿ ಅವ್ಯಾಪಕತಾ ದಿಖಾಯೆಂಗೆ ನಾ ತಭಿ ತೋ ಉಪಾಧಿ ಬನೇಗಾ ಕೋಯಿ ನಹೀ ಸಾಧನ ಕಾ ವ್ಯಾಪಕ ಹೈ ತುಮಾರಾ ವಿಭುತ್ ಕಹಾಂ ದಿಕ್ಕಾಲೇಶ್ವರ ಮೇ ಪಕ್ಷೇಕ ದೇಶ ಮೇ ತಬ್ ಕಹತೆ ಠೀಕ್ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಉಸಿ ಪಕ್ಷ ಮೇ ತುಮ ಪರಮಾಣು ಕೋ ಭೀ ತೋ ಲಿಯಾ ಹೈ ನಾ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಪೂರೇ ಪಕ್ಷ ಮೇ ತುಮಾರಾ ಹೇತು ಕಹಾಂ ಹೈ ಪೂರೇ ಪಕ್ಷ ಮೇ ಹೇತು ನಹೀ ಹೈ ಪರಮಾಣುವೋ ಮೇ ತುಮಾರಾ ಹೇತು ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಹೈ ವಹಾಂ ವಿಭುತ್ವ ನಹೀ ಹೈ ಪರಮಾಣುವೋ ಮೇ ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಹೈ ಏನು ವಹಾಂ ವಿಭುತ್ವ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಪಕ್ಷ ಕಾ ಏಕ ದೇಶ ಭೂತಾ ದಿಕ್ಕಾಲೇಶ್ವರ ಮೇ ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಭೀ ಹೈ ವಿಭುತ್ವ ಭೀ ಹೈ ಪಕ್ಷ ಕಾ ಏಕ ದೇಶಾಂತರ ಮೇ ಪರಮಾಣುವೋ ಮೇ ತುಮಾರಾ ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಹೈ ಕಿಂತು ವಿಭುತ್ವ ನಹೀ ಹೈ ಇಸಿ ಉಸ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಪಕ್ಷ ಕಾ ಉಸ್ ಹಿಸ್ಸೆ ಮೇ ಹಮ್ ಸಾಧನ ಕಿ ಅವ್ಯಾಪಕತಾ ದೇ ದೇಂಗೆ ಪಕ್ಷೀಕೃತ ಪ್ರಮಾಣವಾದಿಶೋ ತದ ಅಭಾವಾತ್ ಯಾ ತಗಿ ಟೀಕಾ ದೇಖ ಲೀಜಿಯೇ ಶ್ಲೋಕೇನ ಮೈವಮಿತ್ಯಾದಿನ ಶ್ಲೋಕೇನ ಅತ್ರಿ ವ್ಯತಿರೇಕ ಭೂಮೌ ಆಕಾಶಾದಿ ವಿಭಾಗ ಆರಂಭಕತ್ವಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಾರು ಸಂಯೋಗ ವಿರೋಧಿ ವಿಭಾಗ ಅನಾರಂಭಕತ್ವೋಪಾಧೌ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಗೃಹ್ಯತೆ ಕಿಂವಾ ದ್ರವ್ಯ ಅನಾರಂಭಕ ಸಂಯೋಗ ವಿರೋಧಿ ವಿಭಾಗಾರಂಭಕತ್ವಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಾರ್ಭ ಸಂಯೋಗ ವಿರೋಧಿ ವಿಭಾಗ ಅನಾರಂಭಕತ್ವೋಪಾಧೌ ಆದ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಹ ಹಮ್ ಆಪ್ಸೆ ಪೂಛತೆ ಹೈ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಹಾ ಕಹಾ ವ್ಯತಿರೇಕ ಭೂಮಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗ್ರಹಣ ಕರ ಪಡ್ತಾ ನಾ ಜಬ್ ತಕ್ ವ್ಯತಿರೇಕ ಮೇ ಆಪ್ ಗ್ರಹಣ ನೀ ಕರ ಪಾಯಂಗೆ ತಬ್ ತಕ್ ಹೇತುಕೋ ಮಜಬೂತ ನಹೀ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಸೇ ವ್ಯತಿರೇಕ ಭೂಮಿ ಮೇ ಆಪ್ ಪೂಛೆ ಕೌನ್ ಸಿ ವ್ಯತಿರೇಕ ಭೂಮಿ ಮೇ ಆಪ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗ್ರಹಣ ಕರ ರೇ ಹೋ ಆಕಾಶಾದಿ ವಿಭಾಗ ಆರಂಭಕತ್ವ ಆಕಾಶಾದಿ ವಿಭಾಗ ಆರಂಭಕತ್ವ ಕಾ ಜೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಿಸ್ ವ್ಯತಿರೇಕ ಭೂಮಿ ಮೇ ಗ್ರಹಣ ಕರ ರೇ ಹೋ ಐಸಾ ಅನ್ವಯ ಕಿಸ್ ಸಾಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗ್ರಹಣ ಕರನಾ ಹೈ ದ್ರವ್ಯ ಆರಂಭಕ ವಿರೋಧಿ ವಿಭಾಗ ಅನಾರಂಭಕತ್ವ ಉಪಾಧಿ ಮೇ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ತೆ ಹೋ ಅಥವಾ ದ್ರವ್ಯ ಅನಾರಂಭಕ ಸಂಯೋಗ ವಿರೋಧಿ ವಿಭಾಗ ಉಸ್ಕೆ ಆರಂಭಕತ್ವ ಜೋ ಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಾರ್ಭ ಸಂಯೋಗ ವಿರೋಧಿ ವಿಭಾಗ ಅನಾರಂಭಕತ್ವ ಪಾದೋ ಅಥವಾ ದ್ರವ್ಯ ಅನಾರಂಭಕತ್ವ ಸಂಯೋಗ ಜೋ ವಿರೋಧಿ ಹೈ ವಿಭಾಗ ಉಸ್ಕೆ ಆರಂಭಭೂತ ಜೋ ದ್ರವ್ಯಾರಂಭಕ ಸಂಯೋಗ ಹೋತಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ ವಿಭಾಗ ಕಾ ಅನಾರಂಭಕತ್ವ ತುಮ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ನಾ ಚಾತೆ ಹೋ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ನಾ ಚಾತೆ ಆದ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಸಿದ್ಧತ್ವಾದಿತಿ ಆಕಾಶದ ವಿಭಾಗಸ್ಯ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವೇನ ಆಕಾಶದ ವಿಭಾಗ ಕೈಸಾ ಹೈ ವೋ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತುಮಾರೆ ಮತ್ ಮೇ ಸೆ ತಜ್ಜನಕತ್ವಮಿ ಕರ್ಮಣೋ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಇಸಿ ಉಸ್ ವಿಭಾಗ ಕಾ ಜನಕ ಜೋ ಕರ್ಮ ಹೈ ಜೋ ಆಕಾಶ ಮೇ ಯದಿ ಹೋ ಭೀ ರಹಾ ಹೋಗಾ ಲೇಕಿನ್ ವೋ ಹಮಾರೇ ಲಿಯೆ ತೋ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೀ ರಹೇಗಾ ಅಥೋ ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೈ ಇತ್ಯರ್ಥ ಸೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸೆ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಿದ್ಧ ನೀ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದೂಷಣ ಮಾಹ ಅನಧ್ಯವಸತ್ವತೀತಿ ಆಕಾಶ ವಿಭಾಗ ಅನಾರಂಭಕತ್ವಮಸ್ತಿ ರೂಪಾದೌ ಕಿರುಪಾದಿ ಮೇ ಆಕಾಶ ವಿಭಾಗ ಅನಾರಂಭಕತ್ವ ಕ್ಯಾ ಹಮ್ ಲಡಾಯಿ ಚಲ ರೋಹಿ ಕ ಬೀಚ ಮೇ ವಿಭಾಗ ಔರ್ ಕರ್ಮ ಕೌನ್ ಹೈ ಆರಂಭಕ ಔರ್ ಇಸ್ ಐಸೆ ಜಗ ದೋ ಜಾ ಸಾಧ್ಯ ನಹೀ ಹೈ ನ ಕರ್ಮ ಹೈ ನ ವಿಭಾಗ ಹೈ ಉಸೆ ಭಿನ್ನ ವಸ್ತು ಲಿಯಾ ಜಾ ಆಕಾಶ ಕೆ ವಿಭಾಗ ಕಾ ಆರಂಭಕತ್ವ ನಹೀ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಆಕಾಶ ಕೆ ವಿಭಾಗ ಕರ್ಮ ಕಾ ಮಾನ್ ರೇ ವೇದಾಂತಿ ಕಹತಾ ಕರ್ಮ ಮೇ ಹೈ ವೋ ಕಹ ರಹಾ ಹೈ ಅವ್ಯಗತ ವಿಭಾಗ ಮೇ ಹೈ
इसे इन दोनों से भिन्न स्थल इसके अभाव स्थल बनेगा, वो हो गया रूपादि। न चत्र हेतुरस्ति, इनमें आपका हेतु नहीं है। इत्यर्थ किंच वंशतलयोर विभागस्य आकाश वंशतल विभाग से च हेतु हेतु मत्व कल्पना अपि अनुपपन्ना। वंश दल का द्वय का जो विभाग है और आकाश के साथ वंश दल का जो विभाग है उसके प्रति कार्यकारण भाव की कल्पना करना भी उचित नहीं है। विभाग जीवा का मतलब इसका विभाग को कारण माना, इसलिए उसमें जो विभाग उसको कार्य माना आपने, ये भी आप नहीं कर सकते। क्यों? आकाश प्रत्यक्षवादी नाम, आकाश का प्रत्यक्ष मानने वालों के लिए दृष्टिकोण से उभयोरभी विभाग यो प्रत्यक्ष योग पद्य प्रदीत है। प्रत्यक्ष ही उनके द्वारा उन दोनों विभागों का युगपत्व ग्रहण कर रहे हैं, इसका तो वहाँ कार्यकारण भाव नहीं है। कार्यकारण भाव जहाँ पर होता है अब पौर्वापर ही होता है ना। कारण कब होता है? कार्य से पूर्वृत्तम कार्य कब है? कारण के उत्तर कार्य होता है। तो इसलिए कहते हैं पूर्वोत्तर भावी जो होगा क्रम वहाँ होगा वहाँ कार्यकारण भाव होगा, जो युगपत है अक्रम ना होने से योगपद्य में कार्यकारण भाव नहीं होता। योगपद्येति अथवा आकाश प्रत्यक्षवादी मते व्याप्ति सिद्धिम आशंक्य इदम उक्तम। अतः आकाश के प्रत्यक्ष मानने वालों के दृष्टिकोण में व्याप्ति सिद्धि पूर्व पक्ष ही कहता है तो उसके जवाब में बात कही गई, ऐसा भी आप इसका अन्वय कर सकते हैं। योजना तो पूर्व में शेष वाक्यार्थ अन्वय ऐसे ही करना है। श्लोक विवरणोदी नतावद इत्यादि ना दिक् कालाश सर्वोत्पत्तिवत निमित्त कारणतया उभयविद विभाग जनकेशु व्यविचारोपि द्रष्टव्य। साथ ही व्यविचार भी ग्रहण कर लेना, सर्वोत्पत्ति निमित्त कारण कौन है? दिशादि साधारण कारण है ना, वो भी व्यापक वगैरह है। इसलिए उभय विद विभाग जनक केशो विभेद विभाग जनक जो है सर्वोत्पत्ति के निमित्त कारण भूत होने से उन दिप कालादियों में भी अतिव्याप्ति हो गया आपके हेतु का, अतएव हेतु का व्यविचार मानना चाहिए। साध्याभावाधिकरण हेतु जाना यही व्यविचार है। अनविशतत्वतः इत्येतत् विवृणुति और जो द्वितीय पाद श्लोक का कारिका का उस हिस्सा को घटा रहे अनद्यवसित अत्र चोक्तो विशेषो न प्रविस्मर्तव्य। यहाँ इस विषय में पूर्व में चर्चा करते हो तो कहा हुआ जो जो विशेष बात है उनको भूलना नहीं चाहिए। क्या क्या कहे थे वो स्वयं बताए। उपलक्षण चेत तो सत प्रतिपक्ष स्यापी कहने का अभिप्राय है इस इनकी इस अनुमान के प्रति हमने पूर्व में ही एक सत्प्रतिपक्ष अनुमान का संकेत कर दिया है, उसको भूलना नहीं। अब टीकाकार को पता है आप सब भूल गए हैं इसलिए बता रहे हैं। तथा ही इमतम कर्म आकाशादि देशेन विभागम आरभते आरंभक कर्मत्वात् संप्रतिपन्नतो विभाग वा कर्मजन्य विभागत्वात् संप्रतिपन्नवतो इत्यादि से हमने पूर्व में ही सत्प्रतिपक्ष दे दिया है। यदि शक्यम सत्प्रतिपक्षी तुम इस प्रकार से भी सत्प्रतिपक्ष करना उनके हेतु को खंडन करना संभव है। तेन च पदार्थ तत्व निर्णयोक्त दोषोपि परिहृतः। इसलिए पदार्थ तत्व निर्णयोक्त दोष है मानी विभाग रूपी एक पदार्थ को अलग मानना नहीं मानना, इसमें तत्व का निर्णयोक्त दोष भी परिहार हो गया। वो कहता है कि अलग मानना ही पड़ेगा तो क्योंकि अलग एक इसमें आगे और चर्चा होगा विभाग और पृथक्त्व को दो गुण क्यों मानते हैं। वो प्रतीति क्या था प्रयोग तो पदजन्य प्रतीति विषयत्म पदार्थत्व उनका मानना है। और आपने इमऊ पृथक शब्द प्रयोग कर दिया इमऊ पृथक प्रतिमान बोला ना आपने इसीलिए अलग गुण है। और अयम अस्मात् भिन्न अयम अस्मात् विभक्त ये विभाग अयम अस्मात् विभक्त इमो विभक्त इमो पृथक और इमो विभक्त इसके कारण से शब्द ज्ञान प्रतीति अलग अलग हो रही है इसे दोनों का विषय अलग अलग मानना पड़ेगा। और पृथक गुण है इसमें विभाग गुण है एक पदार्थ विभाजक मानना ये भी हम लोग खंडन करते हैं। अलग मानने की जरूरत नहीं पृथक और विभाग को और विभाग और अन्य भाव में भी अंतर क्या अन्य अयम अस्माद् भिन्नः घटात् पटो भिन्नः पटात् घटो भिन्नः भिन्न शब्द प्रयोग करने से एक अभाव कोटि में उसको कल्पना करने लग गए आप। यहाँ भी पृथक के द्वारा ही व्यवहार होगा। अरे घटात् पठ पृथक बोल दो भिन्न मत बोलो। बोलने बोलने की तो खेल है शब्दों का खेल खेल रहे हो। घटात् पठ पृथक घटात् पठ भिन्न घटात पठ विभक्त शब्द प्रयोग करूंगा मैं। अब बताओ इसमें क्या अंतर है? ना पंचमी यहाँ से प्रथमा कहाँ फर्क हुआ? पदार्थ भेद से तो नहीं होगा ना बात हो रही पदार्थ भेद के लिए। आप शब्द पद पदजन्य प्रतीति का ना पद भेद करके आप पदार्थ भेद कर दे रहे हो।
हम कहते हैं जिन पदार्थ भेद के लिए आप पद भेद प्रयोग करो, हम एक ही पद प्रयोग करके व्यवहार कर देंगे। सब जो पंचीय प्रथमा प्रयोग कर दो, झंझट खत्म हो गया ना, फिर कहाँ अंतर रह गया? पद प्रतीति में कहाँ अंतर है? तो पदार्थ में भेद कैसे हो जाएगा? आपने इमो पृथक, इमो विभक्त, अयम अस्मात भिन्न, ये शब्द भेद करके पृथक गुण विभाग गुण अन्योन्य भाव सिद्ध कर रहे हो। इस प्रतीति क्या कर रहे हो ना, वो क्या पैदा हुआ आप पैदा हुआ उसे कोई लेना देना, नित्यानित्य से कोई लेना देना नहीं। बात दूसरी चल रही है ना, आप कहाँ से कहाँ चले गए? नित्यानित्य में चले गए आप, जन्य अजन्य में चले गए, उसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पदार्थ में भी विभाग का निर्णय होना है। अभी तीन पदार्थ अलग मानना चाहिए इनको या नहीं मानना है? वो कहते हैं पदजन्य प्रतीति का भिन्न भिन्न मानना चाहिए। तब हम कहते ये पद प्रतीति जो तुम कर रहे हो, हमें ऐसी पद प्रतीति हो रही है तीनों में, पंचमी प्रथमा ही हो जाए, घटात पठ पृथक, घटात पठ विभक्ता, घटात पठ भिन्न। अब बोलो मुझे बताओ तीनों में अंतर कहाँ रह गया? तीनों में पंचमी बराबर कर दी मैंने, तीनों प्रथमा बराबर कर दिया, अब तीनों से एक ही भान हो रहा है, तब भी फर्क पड़ रहा है क्यों पूरी? कुछ अंतर पड़ेगा? घट यहाँ है पट यहाँ है, तो इमो पृथक कहो तो भी वही है दोनों, इमो विभक्तों कहो तो भी वैसे के वैसे ही है, अस्माद एम भिन्न कहो तो भी वैसे के वैसे ना। पदार्थ वो जो बाई जो स्थूल है उसमें भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, शब्द में भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, फिर हम पदार्थ भेद क्यों माने? क्यों मानना पदार्थ भेद? क्या तुम्हारा जिद है शब्द भिन्न प्रयोग करके पदार्थ भेद कर रहे हो जबरदस्ती? ये कोई जरूरी नहीं। पदजन्य प्रतीति विषय तुम पदार्थ तुम कहते हो, पदजन्य भी इस तरह का पद प्रयोग करूंगा, इतर प्रतीति से जन्य विषय जो होगा वो तीनों अभिन्न सिद्ध होगा, तो पर्यायवाची सिद्ध हो जाएंगे तीनों, पृथक विभाग अन्य भाव तीनों पर्यायवाची हो जाएगा। इस संदर्भ में जो दोष आदि है उसका भी यही परिहार समझ लेना। विभाग विभाग कोई चीज नहीं रह गया तो कहाँ भेद रह गया? ये कह पदार्थत्व निर्णयोक्त दोषों की परिहृता एतेन व्यभिचार अनद्यवित तत्व निवारणाय कर्मणा हेतु साध्य और विशेषण अपनी निष्फलीकृतम। व्यभिचार और अनद्यवसाय इन दोनों का निवारण करने के लिए पूर्व पक्षी कर्मणा ऐसा हेतु साध्य और विशेषण अपनी निष्फलीकृतम, कर्म से जो विशेषण दे करके दोषों को दूर करना चाह रहा था वह भी अपने आप निष्फल हो गया। न च द्रव्यारंभ संयोग विरोधी विभाग अनारंभकत्व उपाधि, द्रव्य आरंभक संयोग विरोधी विभाग अनारंभक उपाधि में दे दूंगा आपके सत प्रत्यक्ष अनुमान में, ऐसा मत कहो। क्यों? उभयविध विभाग जनक ईश्वर आदो साध्य अव्याप्त है, उभय प्रकार के विभाग जनक ईश्वर आदि हैं उनमें साध्य की व्याप्ति नहीं बनेगी। इति उत्तरार्धम व्याचस्ते, अब उत्तरार्ध और जाते हैं पीछे इत्यादि से योग पद्य न पूर्वापर भूतयोर अभी विभागयोर अतिशय क्रिया योगपति ब्रह्मवयाम। पूर्वापर का होते क्रम है वहाँ पर वास्तव में कार्यकारण भावे दोनों विभागों में अतिशीघ्र के कारण से युगपत का विभ्रम हो गया आपको, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। यथा अति तीक्ष्ण सूच्या कमल दश शतवेधे युगपत विधत्त अभिमान, जैसा अति सूक्ष्म तीक्ष्ण सुई के द्वारा 100 कमल के पंखुड़ियों को युगपत भेदने का अभिमान आदमी कर लेता है, उसी प्रकार से तथा न च शतपत्रेति, शतपत्र मने कमलम उसका 100 पत्ते, मिति भेद मने वेधन करना बींदना छेदना, अपहस्तित्वात् मने हस्त परिहार मात्रेण परास्तत्वात्, हस्त परिहार के द्वारे परास्त कर दिया गया है तुम उस अनुमान। उपलक्षण चेता, यहाँ पर उपलक्षण समझना, योगपद्य प्रत्यक्ष बाद व्यभिचार संत सत प्रतिपक्षत्वाना, यहाँ पर भी योगपद्य का प्रत्यक्ष, योगपद्य के बाद योगपद्य का व्यभिचार और योगपद्य प्रति सत प्रतिष्ठत्व, इन चारों का भी उपलक्षण संग्रह ग्रहण करना चाहिए। विभाग अजन्यत्व अनुमानांतर विरोधम संगत है, और विभाग अजन्यत्व में हम कार्य विभाग से अजन्य, वो कार्य विभाग से जन्य, तो इसलिए हमारे लिए वो मान मनोरकार का अनुमान ले आते हैं। विवाद अध्यास तमिति आत्मा आकाश व्यतिरिक्त नित्य द्रव्याणि पक्षा, आत्मा और आकाश भिन्न जितने नित्य द्रव्य मानते हो उन सबको पक्ष कोटि में रखना। दृष्टांत साध्यम दर्शे दृष्टांत, अब आत्मा रूपी एक दृष्टांत लेंगे उसमें जो है कि आत्मा और आकाश भिन्न का ना पक्ष, क्यों आत्मा और आकाश क्या है हमारा दृष्टांत है। अस्ति आत्मनीति विभाग विषय यत् प्रत्यक्ष ज्ञानम तद विभाग जन्य गुण, विभाग विषय जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको हम कहते हैं विभाग जन्य गुण है, वो गुण का अधिकरण कौन है आत्मा, दृष्टांत में चला गया।
एवं आकाश शब्द विभागजन्य गुण, इसी प्रकार से आकाश में विभागजन्य गुण शब्द समलेंगे शब्द को, उसका अधिकरण हो गया आकाश हेतु दृष्टान्त में घट गया। न चित्ताभ्याम एवं अर्थांतर था, यदि कोई कहे इस अनुमान से तो आकाश आकाश और आत्मा सिद्ध हो जाएगा अर्थांतर दोष होगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रमाणवादेर ज्ञान शब्द अधिकरणत्व भावात, क्योंकि जो पक्ष में कहा जाएगा फिर जिसके लिए हम हेतु बना रहे हैं वो पक्ष भंग हो जाएगा। ये परमाणु न शब्द का अधिकरण है न ज्ञान का अधिकरण है, इसी विभाग जन्य गुणाधिकरणत्व से शब्दाधिकरणत्व नहीं जा सकता, ज्ञानाधिकरण ही नहीं, ऐसा विभाग विभाग का अधिकरण ही आपको लेना पड़ेगा, वो परमाणु में जाएगा अन्यत्र नहीं जा सकता, इसीलिए हमारा अर्थांतर दोष भी नहीं होगा। ततश्च यो सो विभागजन्य गुण परमाणुवादी निष्ठा सविभागजन्य विभाग इत्यर्थ, इसे जो यह विभागजन्य गुण है वह परमाणुवादी निष्ठ है, वह विभागजन्य विभाग ही है, सिद्ध हो गया। ब्रह्माद्वैतवादी वेदांति मते परमाणुवादी नाम नित्यत्वम असिद्धमिति विशेषणा सिद्ध्या, ब्रह्माद्वैतवादी वेदांति के मत में परमाणुवादियों का नित्यत्वम असिद्धम, एक तो हमारे मत में सिद्ध तुम्हारे हेतु का विशेषण खंडित हो गया, विशेषण सिद्ध्या हेतुम दूषेति मैवम इत्यादि के द्वारा, दूषणांतर मह आत्मनि व्यर्थ विशेषण त्याच असिद्धि मह, और व्यर्थ विशेषण दोष भी असिद्धि दिखाया। किंचिति अनित्य द्रव्य व्यावृत्त्यर्थम नित्य पदम, आपने अनित्य द्रव्यों से व्यावर्तन करने के लिए नित्य पद दिया था, और ऐसा कोई जगह है नहीं, जो भी आपका नित्य द्रव्य है दो को तो दृष्टांत में डाल दिया, बाकी सब पक्ष में आ गया, कोई तीसरा कोटि नित्य का रहा ही नहीं जिसमें आपका लक्षण की अतिव्याप्ति हो। अद्रव्य से द्रव्य पदे नहीं व्यावृत्त है, क्योंकि अद्रव्यों का द्रव्य पद से व्यावृत हो ही गया। न चित्तवृत्त्यर्थ पक्ष तुल्यत्वाद तो वही अर्थमिति, और उनकी व्यावृत्ति अर्थ के लिए भी आप कुछ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी जितने भी है दिक् काल ईश्वरी वगैरह नित्य वो तो पक्ष कोटि में है ही, पक्ष तुल्यत्वाद। इधर न च तद व्यावृत्त्यर्थ उनकी व्यावृत्ति करने के लिए ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि पक्ष तुल्यत्वाद अतो वही अर्थम, इसलिए व्यर्थ विशेषता आ गया। आत्मा आकाश और उक्त गुणवत्व विभुत्तम उपाधि, और आत्मा आकाश आदि में जो तुम उक्त गुणवत्व को सिद्ध करना चाह रहे हो, विभाग जन गुणवत्व सिद्ध करना चाहते हो, वहां पर हमारा उपाधि है विभुत्त उपाधि। न च साधन व्यापकता पक्षीकृत परमाणु मनसोर उपाधिर अभावाद इत्याह, यदि पूर्व पक्ष कहता है साधन की व्यापकता ही रहेगी, अव्यापकता नहीं होगा तुम्हारे मत में, कि विभुत कहाँ है पक्ष के अंतर विद्यमान, जो किन दोनों में पक्षीकृत परमाणु मनसोर उपाधिर अभावाद, क्योंकि साधन की व्यापकता होगा भी आप नहीं कह सकते, हमारे साधन व्यापक ही सिद्ध होगा, कहाँ परमाणु और मन में, परमाणु भी कैसा है विभू नहीं है, मन भी कैसा है विभू नहीं है, वहाँ आपका हेतु है या नहीं द्रव्यत्व, हेतु है और उपाधि नहीं है, साधन का व्यापक हुआ कि नहीं हुआ, अतएव साधन का व्यापकत्व भी हमारे मत में सही बन रहा है। इत्या न इति विभुत्व इत्यादि ननु कालो विभावित गुणाधिकरण द्रव्यत्वाद आत्मदित्य को दोष, तब ऐसा कर दूंगा काल विभाग जन का अधिकरण होता है द्रव्य होने से आत्मान, इसमें तुम क्या दोष दोगे। कहते विशेष गुणवत्त उपाधि तत्व विहाय न किंचित अन्य, और अधिक क्या कहने की जरूरत है, यहाँ सीधी सीधी बात है, काल में तो केवल सामान्य गुण तो विशेष गुण होता ही नहीं, आप जिसको सिद्ध करना चाहते हो सिद्ध हो गए, आप सिद्ध करना क्या चाहते हैं कोई वाक्य है विशेष गुण है उसको सिद्ध करना चाहते हो तो सिद्ध ही नहीं होगा। कहते हैं कि भाई विशेष गुणवत्त उपाधि तत्व विहाय न किंचित अन्य, काल में केवल सामान्य गुण होते हैं, काल का अपना कोई विशेष गुण होता ही नहीं, इसलिए विशेष गुणवत्त काल में नहीं है और तुम्हारा हेतु वहाँ पर है, साध्य है और उपाधि नहीं, साधन का व्यापकता बन गया और साध्य व्यापकता अपने आप घटेता ही दृष्टांत में। किंच कर्मणो द्रव्यार्मक संयोग विरोधी विभाग जनकस्य नभो भाग विभाग अजनकत्व द्रव्यार्म संयोग जनकस्य तज्जनक संयोग जनकत्व अंगुल्याकाश संयोग जनक कर्मण इव न स्यात् तथा च तंत संयोग जनकात् कर्मण तंतक संयोगो न स्यात्। किंच कर्मणो द्रव्यार्म संयोग विरोधी विभाग जनकस्य, द्रव्यार्म संयोग का विरोधी जो विभाग जनक कर्म है वह नभो भाग विभाग अजनकत्वे न आकाश के भाग में विभाग का जनक न होने पर द्रव्यार्म संयोग जनकस्य, द्रव्यार्म जो संयोग जनक कर्म है वह तद अजनक संयोग जनकत्व जनकत्व, फिर तो उस आकाश संयोग के जनक आकाश के साथ जो संयोग विभाग है उसका जन्म जो संयोग का वो जनक नहीं हो सकता, क्यों जैसे दृष्टांत देता है अंगुल आकाश संयोग जनक कर्मण ही वो अंगुल और आकाश संयोग का जनक कर्म के समान इति ऐसा न स्यात्। क्यों
तथा चीज ऐसा मान लोगे तो तंतुद्वेष संयोग जनक आत्कर्मणा तंतुआ संयोग न सियात, तंतुद्वेष संयोग जनक कर्म से तंतुआ का संयोग भी उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तब वहां कहा ये अपने पल्लव नन अंगुल्य आकाश संयोगात शरीर आकाश संयोगवत तंत्र आकाश संयोगा देव तंत्र आकाश संयोग उपपत्ति है नायम दोषित छेत। इधर अंगुली और आकाश का संयोग से शरीर और आकाश संयोग मानते हस्त तर संयोगा जो है शरीर तर संयोग मानते हो आप, तो स्थिति में जब ऐसा माना जाता है तो तंत्र अवयव का आकाश संयोग से ही तंतु का भी आकाश का संयोग उत्पन्न मानना ही चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। यदि छेद एवं तर ही दृणगोचरक संयोग असमवाय कारणात परमाणु कर्मण परमाणु आकाश संयोग न भवेत, फिर तो दृणगोचरक जो संयोग है उसका असमवाय कारण भूता परमाणुगत जो कर्म है वह परमाणु कर्म से परमाणु आकाश संयोग नहीं होता, ये कहना पड़ेगा। नहीं तत्र अवयव संयोगात परमाणु आकाश संयोग निर्वयवत्वात, क्योंकि वहाँ अवयव संयोग से परमाणु आकाश भी नहीं कह सकते कि परमाणु भी निर्वय है आकाश भी निर्वय है दोनों निर्वय उनका संयोग कैसे हो जाएगा। अपिच एवं इत्यादि यहाँ तक की टीका कंप्लीट कर दो। आभास समान योग क्षमता चाह इतना ही नहीं आपका अनुमान आभास समान योग क्षम भी है, इसके लिए किंचित से कहा विमतम कर्म न द्रव्य अनार्ग संयोग जनकम द्रव्यार्ग संयोग जनकत्वात् न यदेवम न तेदम यथा अंगुल्या का संयोग जनक कर्म इत्यपि शक्य अनुमात विधि खंडलकारतः आपके ठीक अनुमान के खिलाफ एक ऐसा अनुमान खड़ा कर दिया देखने में एक जैसा लगता है यानी अनुमान आभास है तद्दत तुम्हारा अनुमान है बहुत एवं किन्न छिन्नम इति कहता ठीक है भले अनुमान आभास हो यदि अनुमान आभास भी से भी तुम्हारा खंडन हो रहा है तो और क्या चाहिए हमको, अच्छा ही ना खराब थोड़े है भाई। अनुमान आभास के कारण से यदि हमारा सिद्धांत भंग होता तब तो खतरा था, लेकिन हमारा अनुमान आभास के समान अनुमान के द्वारा ये तुम्हारा मत का खंडन हो रहा है तो अच्छी बात है, हमको तुम्हारा खंडन से मतलब है। भवतु एवं न छिन्नम किम इसलिए पूछता है तो सिद्धांत के तैसे मत कहो न छिन्नम इति तत्र गूढ़ा विसंधिस्तावदह तथा च इत्यादि नित्वारत पटारंभ कहो यस तंतुद्वय संयोग तच्चनकात कर्मण तंत्राकाश संयोग से द्रव्यनारंभ से उत्पत्ति न सदित्यर्थ दो तंतुओं से में आरब्ध जो दो तंतुओं से आरब्ध जो पट है उस पट में विद्यमान जो आरंभ जो संयोग है पटारंभ को यह तंतु द्वय संयोग जो तंतु जो संयोग है वह तत्जनकात कर्मणा उस संयोग का जनक कर्म से आकाश संयोग को भी उत्पन्न या द्रव्य अनारंभ से आकाश संयोग से उत्पत्ति न स्यात। जो तंतु द्वय संयोग है जिन तंतु द्वय संयोग से पट आरंभ हो रहा है वह पट के आरंभ तंतु संयोग का भी जनक कौन है कर्म, वह कर्म आकाश को पैदा नहीं करता। जिस कर्म से संयोग हुआ संयोग से पट बना वह कर्म पट आकाश संयोग या तंतु आकाश संयोग आदि को भी उत्पन्न नहीं करता। तंतुओं में कर्म होने से तंतु में क्या हुआ संयोग हुआ, वो पूर्व पक्ष का ये था तंतुओं में जो हुआ कर्म है वह कर्म ही क्या कि जैसे तंतु कर्म से तंतु संयोग को पैदा किया वैसे ही तंतु आकाश संयोग को भी पैदा कर देता है, तो कहते ऐसा नहीं हो सकता ये नहीं है। अद्रव्य आरंभ कस्य उत्पत्ति न से इत्यर्थ अभिसंधि विद्वान अभिसंधि को न जानता हुआ व्यक्ति जो है यहाँ पर लीलावतिकार शिवाचार्य शंका करते इत्यादि यम अर्थ अयम अर्थ यथा ही संयोग संयोग विशेषस्य शरीराकाश संयोगस्य तद अवयवांगुल्याकाश संयोगा देव जन्म जिस प्रकार से जो संयोग जो संयोग है संयोग संयोग कैसा है शरीर आकाश संयोग है वो कैसा है तद अवयभूता अंगुल्याकाश संयोग को जैसे हो गया माना जाता है न कर्म न कर्म से उत्पन्न नहीं माना जाता तथा तंत्राकाश संयोग अपनी तद अवयवाकाश संयोगा देव भवत भवे तंत्राकाश संयोग से ही का कारण कर्म से ही तद अवय आकाश में भी हो जाएगा इति इति कर्मजन्यत्व इष्टम एव कर्मजन्यत्व इष्ट है यदि ऐसा कहोगे ये नहीं कह सकते अभिसंबंधि उद्घाटन परिहर्ति एवं तरी इत्यादि ना अवश्य ही निरवयव परमाणु आकाश संयोग से तद अवय संयोग जन्यत्व संभवात क्योंकि निरवय आकाश और निरवय परमाणुओं का संयोग को उनके अवय संयोग से उत्पन्न हो गया ये तुम कभी कह ही नहीं सकते। क्यों दृणुक आरंभ परमाणु संयोग जनक परमाणु कर्म जनित्व वक्तव्यम कि दृणुक के आरंभ जो परमाणु संयोग का जनक जो परमाणु में रहने वाला कर्म है वो कर्म नहीं पैदा किया आपको मानना पड़ेगा चाहे संयोग संयोग हो चाहे विभाग विभाग हो
और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तदेव मम प्रतिबंधित स्थलम अस्तु इति भाव, इसलिए आपका कहा वह वस्तु बेल की मेरे प्रतिबंधित स्थल बन गया। अनिष्टांतरंच एक एक और अनिष्ट अपिचैवम वंश दलावैव आकाश भागा देव दलाकाश विभाग उपत्तर दलयोर विभाग से आकाश प्रति हेतुता न सिद्धि दलयोर विभाग आकाश विभाग स्वाभिमतो न सिद्धे, आपका अपना अभिमत भी सिद्ध नहीं हो सकता जिस तरीके से आप चल रहे हो। क्यों वो समझाएंगे।